नागपुर हिंगना में गुरुवार को युवक अक्षय भाले राव को न्याय मिलने के उद्देश्य से समता सैनिक दल की ओर से आंदोलन किया गया। अक्षय की कुछ दिन पहले ही हत्या कर दी गई थी। सैनिक दल की ओर से आरोप लगाया गया है कि अक्षय ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती मनाई, इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। दल की ओर से मांग की गई है कि अक्षय की हत्या के शामिल आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले ताकि अक्षय और उसके परिवार को न्याय मिले। मैं जिंदा भगत, समता सैनिक दल और ये सब लोगों को ये मांग है कि अक्षय भाले राव एक सीधा सरल इंसान था, दुकान में कुछ किराना खरीदने गया, तिड़के आया और परिवार, उनके भाई, उनकी बिरादरी, ये सारे के सारे उसको देखकर दुकान से बाहर खींचे, उसके हाथ और पाँव पकड़कर, हाथ में की जो उनके हाथ में जो तलवार थी तिड़के के और खंजर था, उन्होंने भकाभक दत्ता तिड़के ने आवाज़ लगाई कि भाई इसका ख़त्म कर डालो इसको जगह पर ही। तो वैसे ही उसके ऊपर में लगातार खंजर चलने लगे, उसकी मौत हो गई। उसको बचाने उसका भाई गया तो उसके हाथ पर भी वार गया, वो लहूलुहान हो गए। लोगों ने चिल्लाया, उसने बोला कि बचा बचा, तो उसकी माँ देवकी उसके भी ऊपर में हमला किया। यानी ये जातिवादी हमले कब तक का महाराष्ट्र शासन हमारे पर ही लगातार जुल्म करता है, जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बड़ा संविधान देकर सारे लोगों को समानता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार दिया, लेकिन वो अधिकार हमसे छीना जा रहा है, हमसे एजुकेशन छीना जा रहा है, हमसे सारे बाबा साहब ने जो संविधान के तहत जितने भी कानून कायदे बनाए उस सारे को तहस नहस कर रहे, उसको किनारे रख दिया संविधान को, और जो मनुवादी ताकते हैं उनके इशारों पे चलते हैं। यदि इस देश में बाबा साहब की जयंती मनाना अपराध है तो शासन के लोग फिर बाबा साहब की जयंती मनाकर लोगों को गुमराह करने का क्यों काम करते हैं? अक्षय की हत्या की तो शासन के लोग शांत क्यों बैठे हैं? उन्होंने इन गुनहगारों को पकड़ कर अभी तक की बड़ी से बड़ी सजा यानी फांसी की सजा क्यों नहीं दी? एक भी व्यक्ति को यदि बाबा साहब के पीछे जो षड्यंत्र करते उनको यदि फांसी की सजा हो जाती है तो बाकी के लोग जो है डरेंगे और गुनाह करने से बचेंगे। आप दिखावे के लिए शासन के लोग बाबा साहब के नाम का उदो उदो करते हैं और उसी समाज को, बाबा साहब के मानने वाले समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं।